लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। अब इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आगे लेके चलेंगे। अब पहली बात तो ये है कि जो आज के फैसले के बाद जो 25 अराकीन जिनकी नाअहली का रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना है उनका वोट एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से, लिहाजा उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाती है। और उसके साथ साथ जो वफाक में इस वक्त चूँकि शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है और 172 वोट चाहिए, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। उनको आज फौरी तौर के ऊपर ये जो ओहदे हैं ये छोड़ देने चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और इसी तरह से सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज के फैसले का जो अमली इजहार है या आज के फैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ़ एक है और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसले के ऊपर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी जो लीगल टीम है हमारी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं तमाम जो लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक वालेहाना इश्क का मुजाहरा किया इन तमाम दिनों में, जिस तरह से उन्होंने जलसे किए, जिस तरीके से वो इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकले, मैं उन पाकिस्तान की कौम को सैल्यूट पेश करता हूँ।